the heck is this skinny guy with a funny last name, and what the heck is he doing in the middle of this debate stage? Ye hai Vivek Ramaswamy. America will head to polls in about 14 months. There is a new rising star in the Republican bloc. His name is Vivek Ramaswamy. So who exactly is Vivek Ramaswamy? He's a 37-year-old, extremely wealthy pharmaceutical entrepreneur running for president as a Republican. He's an Indian-American, he's a billionaire, and now he's the second GOP favorite after Donald Trump. Step back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. एक इंडियन अमेरिकन जिनको कुछ महीने पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन कुछ महीनों में ही वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के लीडिंग कैंडिडेट्स में से एक बन चुके हैं और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने बिना किसी बड़े डोनर के किया है और अपनी हिंदू आइडेंटिटी को प्राउडली गले लगा कर किया है और स्मार्ट तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किया है। तो आइए आज के वीडियो में हम विवेक रामास्वामी और उनके कैंपेन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या अमेरिका, जो कि एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, वो एक प्राउड हिंदू को अपने प्रेसिडेंट की तरह एक्सेप्ट करेगा। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो विवेक रामास्वामी की पिछले कुछ महीनों में अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतनी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ी है, उसको समझने के लिए हमें विवेक रामास्वामी को समझना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जरा अमेरिका की पॉलिटिक्स को समझते हैं। देखिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स में मेनली दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। विवेक रिपब्लिकन पार्टी से खड़ा हुआ है, जो कि अमेरिका की राइट विंग पार्टी मानी जाती है। और रिपब्लिकन पार्टी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत कम इंडियन अमेरिकन्स रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट करते हैं। दूसरी बड़ी पार्टी है डेमोक्रेट्स। करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक डेमोक्रेट है और 70% से ज्यादा इंडियन अमेरिकन्स डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं। और डेमोक्रेट्स अमेरिका की एक तरह से सेंट्रिस्ट या लेफ्ट विंग पार्टी मानी जाती है। इस समय पर रिपब्लिकन्स की प्राइमरी प्रोसेस चल रही है, यानी रिपब्लिकन पार्टी में कई लीडर्स हैं जो इस समय पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के रिपब्लिकन कैंडिडेट बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर इस रिपब्लिकन प्राइमरी प्रोसेस के पोल्स को आप देखेंगे तो एक समय पर काफी क्लियर था कि अमेरिका में बेसिकली ये जो कैंडिडेसी की रेस है, ये दो लोगों के बीच में है, डोनाल्ड ट्रंप और रॉन डिसेंटिस। लेकिन उस समय से रॉन डिसेंटिस की पॉपुलैरिटी चाइनीज स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ की तरह ही तेजी से गिरी है और देख के लग रहा है कि एक इंसान है जो रॉन डिसेंटिस की जगह लेने के लिए तैयार है और उसका नाम है विवेक रामास्वामी। रामास्वामी इस समय पर थर्ड है पोल्स में। लेकिन पिछले हफ्ते एक रिपब्लिकन प्राइमरी डिबेट भी हुआ था, जिस डिबेट के बाद कई पोल्स ने और कई लोगों ने विवेक रामास्वामी को उस डिबेट का विनर डिक्लेयर किया था और अब वो विवेक रामास्वामी को ट्रंप के पीछे सेकंड नंबर की पोजीशन में खड़ा कर रहे हैं। तो एक इंडियन अमेरिकन जो कुछ महीने पहले उतना ही अननोन था जितना इंडियन टीवी सीरियल्स में लॉज ऑफ फिजिक्स अननोन होते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर कैसे पहुंच गए इतनी जल्दी? तो आइए विवेक रामास्वामी के बारे में कुछ जानते हैं। विवेक रामास्वामी इंडियन इमिग्रेंट्स का बेटा है, वो एक तमिल फैमिली से आता है और उसकी पैदाइश सिनसिनेटी ओहायो स्टेट में होती है। विवेक रामास्वामी ने एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। He graduated top of his class. He then went to Harvard and finally attended the Yale Law School. He founded a pharmaceutical company called Riovant. It helped him become a billionaire. देखिए, एक बड़ा रीजन कि क्यों अमेरिका के वोटर्स विवेक जैसे कैंडिडेट्स को इतना पसंद कर रहे हैं और क्यों इंडियन अमेरिकन्स देश के बाहर जाकर भी इतने सक्सेसफुल होते हैं और इतने प्रोमिनेंट पोजीशंस में होते हैं, चाहे सीईओज हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, साइंटिस्ट हो, और वो इसलिए है क्योंकि जो इंडियन कम्युनिटी है वो हमेशा अपने लाइफ में एजुकेशन को एक बहुत ऊंची जगह देती है और इस वजह से इंडियंस जो है वो कटिंग एज इंडस्ट्रीज में हमेशा हाई लेवल पोजीशंस पर काम करते हुए मिलते हैं। और मैं जानता हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी एजुकेशन को बहुत हाईली वैल्यू करते हैं और इसलिए आप जानते हैं कि आज का जॉब मार्केट जो है वो बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं। और अगर आपने भी AI और चैट GPT जैसे सॉफ्टवेयर को सीख कर अपने करियर और अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं किया तो रैपिडली डेवलपिंग जॉब मार्केट में आप पीछे छूट सकते हैं। इनफैक्ट आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देती हैं जिन्हें AI और चैट GPT जैसे सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से यूज करना आता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि शाम यार, ये ज्ञान पेलना तो बहुत आसान है, लेकिन हम सीखे कहाँ पर ऐसी चीजें? अरे यार, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। और इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक इंडियन स्टार्टअप जो आपको AI और चैट GPT जैसे सॉफ्टवेयर्स का मास्टर बना सकता है, वो भी
for free. That is why this video is brought to you by Growth School. एक 3-hour paid workshop है जो Growth School के founder Vaibhav Sisinti conduct कर रहे हैं। और देखिए वैसे तो ये एक paid workshop है, लेकिन शाम शर्मा शो आपके लिए एक special offer लाया है। शाम शर्मा शो के पहले 1000 viewers जो नीचे दिए गए link पर या QR code को scan करके इस course के लिए sign up करते हैं, उन 1000 लोगों के लिए ये course absolutely free रहेगा। मैंने खुद ये video बनाते हुए इस workshop को attend किया है और मैंने prompting और AI की कुछ ऐसे technique सीखे हैं जो सिर्फ शायद 1% लोगों को पता होंगे, और ग्रोथ स्कूल यही करता है। ग्रोथ स्कूल के कोर्सेज आपको एक 1% में तब्दील करते हैं, और वो भी प्रैक्टिकल यूजेबल स्किल्स सिखाकर। मैं तो इस वर्कशॉप को 5 out of 5 की रेटिंग दूंगा। देखिए आज आप और मैं ज्यादा से ज्यादा काम मैन्युअली करते हैं, पर हम AI और ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क यू कर सकते हैं। AI की मदद से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, आप कुछ ही मिनट्स में वीडियोस और एड्स बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने का काम यू चुटकियों में कर सकते हैं। तो चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक फाउंडर हो, फ्रीलांसर हो या क्रिएटर हो, इस वर्कशॉप की लर्निंग्स के थ्रू आप अपने जॉब, करियर या बिजनेस में AI और ChatGPT को इंटीग्रेट करके लेवल अप कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके या QR कोड को स्कैन करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। रिमेम्बर, पहले 1000 व्यूअर्स को ये कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो आज ही ज्वाइन करें और एक 1% बने। और विवेक के बारे में यूनिक बात यह है कि वो एक रिपब्लिकन राइट विंग क्रिश्चियन डोमिनेंट पार्टी से खड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को पूरी तरह से एम्ब्रेस भी कर रहा है। जिस मंदिर में वो बचपन से जाता हुआ आ रहा है, उसी मंदिर में उसने शादी भी की है और उसी मंदिर में वो अपने बच्चों का बर्थडे भी मनाता है। वो उतनी ही खुशी खुशी बाइबल की कहानियां सुनाता है जितनी खुशी खुशी उसको भगवद गीता की कहानियां सुनाने का शौक है। अपने कैंपेन में उसने ओपनली कहा है कि वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू है, लेकिन क्रिश्चियन से भी कई वैल्यूज को शेयर करता है, जो वैल्यूज है अकॉर्डिंग टू हिम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, फोकस ऑन एजुकेशन और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में एक फाउंडेशन होना। जिन वैल्यूज को अगर आप देखिए तो 90% इंडियन फैमिलीज इन वैल्यूज से ऐसे भी सहमत रहेंगे। इसने कहा है कि किसी भी और राइट विंग क्रिश्चियन कैंडिडेट से ज्यादा ये अमेरिका में रिलीजियस फ्रीडम को सपोर्ट करेगा। Part of my job is to make concepts like faith and family and patriotism cool again. तो इस तरह के प्राउडली हिंदू कैंडिडेट का इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ना तो उतना ही रेयर और यूनिक है जितना रेयर और यूनिक दिल्ली में एक ऐसा ऑटो मिलना है जो मीटर से जाने को तैयार हो जाए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक नॉन क्रिश्चियन हिंदू जो प्राउडली अपने आप को हिंदू कहता है, जिसको अमेरिका के मेजॉरिटी क्रिश्चियन एक हीदन, एक नॉन बिलीवर मानते हैं, वो अमेरिका के पॉलिटिकल पोल्स में इतनी तेजी से बढ़ रहा है आगे। और इसमें फनी बात यह है कि ये इतनी तेजी से पोल्स में बढ़ रहा है जबकि ऐसे इंडियंस जैसे बॉबी जिंदल और निकी हेली, जिनका बैकग्राउंड हिंदू और सिख है, जिन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए अपने कल्चर को पूरी तरह से त्याग दिया, और उन दोनों लोगों का कोई चांस भी नहीं है US का प्रेसिडेंट बनने का। और ना सिर्फ विवेक एक प्राउड हिंदू है, लेकिन विवेक एक ओपनली प्रो इंडिया और प्रो मोदी कैंडिडेट है। विवेक इंडिया को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एलाई और US का एक करीबी दोस्त मानता है। विवेक ने ओपनली प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ भी की है। एक्सलेंट प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया, आई थिंक ही हैज अनअपोलोजेटिकली एम्ब्रेस्ड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म। मोदी इज अ लीडर दैट डज नॉट अपोलोजाइज फॉर इंडियन नेशनल आइडेंटिटी। विवेक ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी तारीफ की है। India has prospered economically. GDP growth is up. I think that's the ultimate metric of a truly successful unifying leader. और इंडिया का एक ग्लोबल सुपरपावर बनने के पोटेंशियल की भी तारीफ की है। विवेक ने यह भी कहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स कल्चर्स इन द वर्ल्ड। तो अब तक आप शायद पूछ के थक गए होंगे कि यार शाम ये तो बता कि इस तरह का कैंडिडेट अमेरिकन पॉलिटिक्स में इतना पॉपुलर कैसे हो गया है। देखिए बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही विवेक रामस्वामी एक आउटसाइडर है, वो सालों से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं, और ट्रंप की तरह ही विवेक प्रॉमिस करता है कि जिस तरह से अमेरिकन पॉलिटिक्स में करप्ट पॉलिटिशियंस भरे पड़े हैं, ये ट्रंप की तरह ही उस गंदी पॉलिटिक्स को साफ करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही विवेक रामस्वामी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। रामस्वामी ने सक्सेसफुल बायोटेक कंपनीज क्रिएट की हैं और बहुत पैसे कमाए हैं, और लगता है कि अमेरिकन वोटर्स को ऐसे कैंडिडेट्स पसंद हैं जिनको बिजनेस की भी समझ हो। रामस्वामी सिर्फ 40 साल का है, यानी बहुत ही यंग कैंडिडेट है, और उसकी यूथफुलनेस और उसकी जो एक एनर्जी है वो शायद लोगों को पसंद आ रही हो, खासकर जो बाइडेन के कंपैरिजन में। That saves billions of gallons of gasoline. I mean, billions of 2.3 billion dollars worth of, excuse me, $500 billion in savings and 2.something billion. Why, as I said, we shouldn't be in a position that everybody, and that's my wife Jill. Hey, Jilly, I'm Jill's husband actually. America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him.
उसके ऊपर से विवेक रामास्वामी अपनी ऑडियंस को और अपने वोटर्स को समझता है। वो जानता है कि उसके मेजॉरिटी वोटर्स जो हैं वो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं। तो जो क्रिश्चियन अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट कल्चरल मार्कर्स हैं, जैसे कि बाइबल के 10 कमांडमेंट्स, उससे इंस्पिरेशन लेके विवेक ने अपने कैंपेन के भी 10 कमांडमेंट्स क्रिएट किए हैं, जो है गॉड इज रियल, देयर आर 2 जेंडर्स, ह्यूमन फ्लरिशिंग रिक्वायर्स फॉसिल फ्यूल्स, रिवर्स रेसिज्म इज रेसिज्म, एन ओपन बॉर्डर इज नो बॉर्डर, पेरेंट्स डिटरमिन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, द न्यूक्लियर फैमिली इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नोन to mankind, capitalism lifts people up from poverty, there are 3 branches of the US government, not 4, and the US constitution is the strongest guarantor of freedoms in history. Ramaswamy apne aap ko ek anti-woke conservative ki tarah market karta hai. Ramaswamy ne ek kitab bhi likhi thi jiska naam tha Woke Inc. Inside the Social Justice Scam, jisme usne kafi detail mein woke ideology ko criticize bhi kiya hai. Ramaswamy kehta hai ki cancel culture ek tarah ka totalitarianism ya authoritarianism hai, jiska istemal left-wing politics एकेडेमिक्स मीडिया कंपनीज कर रही हैं वैसे लोगों की आवाज दबाने के लिए जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से सहमति नहीं रखते। रामास्वामी ने बिग टेक कंपनीज जैसे कि गूगल और फेसबुक को भी क्रिटिसाइज किया है कि वो अपनी मार्केट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए और दूसरी तरह की आइडियोलॉजी को दबाने के लिए। विवेक रामास्वामी का मानना है कि वोक आइडियोलॉजी और क्रिटिकल रेस थ्योरी जैसी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज को अमेरिकन स्कूल्स और कॉलेजेस में फैलाया जा रहा है, जो कि उसके हिसाब से देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। जेंडर आइडियोलॉजी पर विवेक रामास्वामी का कहना है कि 18 साल से कम के बच्चों की ट्रांजिशन सर्जरी नहीं होनी चाहिए। रामास्वामी ने वोक लेफ्ट विंग कंपनीज को भी अटैक किया है जिसको वो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म कहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्पोरेशंस और उनके सीईओज अपने इन्फ्लुएंसेस और अपने रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करके एक तरह के सोशल और पॉलिटिकल कॉजेस को सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं, और अमेरिका में एक तरफ वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को बढ़ावा देते हैं और दूसरी तरफ चाइना और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करते। बल्कि वही गवर्नमेंट जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी को दबा रही है, फ्री स्पीच को दबा रही है, LGBTQ लोगों को दबा रही है, माइनॉरिटीज को दबा रही है, उनके साथ खुशी खुशी काम भी करते हैं। विवेक रामास्वामी इसी हिपोक्रेसी को काफी एक्सपोज करता है, ना सिर्फ अपनी किताब में बल्कि अपने पॉलिटिकल कैंपेन में भी। I saw behind closed doors of the elite corridors a number of corporate leaders pretend to care about something other than profit and power, precisely to gain more of each. Where what government does under this new model of reverse crony capitalism, they're able to use private companies to do through the back door what government cannot do directly through the front door. Vivek Ramaswamy Ukraine war ke khilaf bhi hai aur uska manna hai ki Americans ke paise Ukraine ko support karne mein nahi jane chahiye balki apne hi desh mein Americans ko help karne mein jane chahiye. We will not fight somebody else's war if they're not actually defending their own territory either. To end the Ukraine war on terms that advance American interests. And so, no, I do not think it should be a U.S. policy objective to defeat Vladimir Putin or drive regime change in Russia. विवेक के बारे में एक और यूनिक बात यह है कि बाकी रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की तरह वो ट्रंप से नफरत नहीं करता, वो हमेशा ट्रंप को अटैक नहीं करता। So my friend Donald Trump is arriving and he and I share something in common. Neither of us do pretty well in a number two position. Okay. Your claim that Donald Trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible if your entire campaign were not based on vengeance and grievance against इस वजह से ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है वो भी विवेक को पसंद करने लग गया है। इनफैक्ट विवेक ने तो ओपनली ट्रंप की तारीफ भी की है और ट्रंप ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। President Trump, I believe, was the best president of the 21st century. It's a fact. और देखिए मेरे हिसाब से ये विवेक का बड़ा स्मार्ट गेम है। देखिए पोल्स में हमने देखा है कि ट्रंप इस समय पर एक बहुत बड़े मार्जिन से लीड कर रहा है रिपब्लिकन प्राइमरीज को, लेकिन इसी समय पर ट्रंप को इंडाइट किया जा रहा है January 6, 2020 में इलेक्शंस के बाद जो रायट्स हुए थे उसके लिए और 2020 इलेक्शंस के रिजल्ट्स को जबरदस्ती पलटने की कोशिश करने के लिए। अगर ट्रंप को इन चार्जेस में कन्विक्ट कर लिया जाता है तो हो सकता है कि ट्रंप इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालिफाई हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो विवेक ने अपने आप को ऑलरेडी पोजीशन किया हुआ है कि भाई मैं तो ट्रंप को सपोर्ट करता हूं, तो ट्रंप के जो वोटर्स हैं आकर मेरे लिए वोट करें। बड़ा हरामी हो बेटा। और अगर ट्रंप कन्विक्ट नहीं होता है, अगर वो इलेक्शन लड़ता है और रिपब्लिकन कैंडिडेट बनता है प्रेसिडेंट के लिए, तो हो सकता है कि ट्रंप देखे कि यार ये बाकी लोग तो मुझे गाली दे रहे थे, सिर्फ विवेक ने मुझे सपोर्ट किया है, तो क्यों ना मैं विवेक को अपना रनिंग मेट और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना लूं। और अगर ऐसा हुआ तो विवेक इतनी यंग एज पे अमेरिका जैसे देश का वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा और फिर 2028 में वो अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन की तैयारी कर सकता है। एक और बड़ा रीजन क्यों विवेक की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी है वो है कि विवेक एक इमिग्रेंट है, एक
पर्सन ऑफ कलर है जो कि अपने देश अमेरिका से नफरत नहीं करता। देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ने अमेरिका, यूरोप और इंडिया जैसे देशों में एक आइडियोलॉजी फैला दी है कि भाई सोसाइटी में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक जो दूसरों को ऑप्रेस करते हैं और दूसरे जो ऑप्रेस होते हैं। और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी व्हाइट अमेरिकन्स हैं वो सबके सब ऑप्रेसर हैं, और जितने भी पीपल ऑफ कलर हैं, नॉन व्हाइट अमेरिकन्स हैं और माइनॉरिटीज हैं, वो सारे के सारे ऑप्रेस्ड हैं। विवेक इस आइडियोलॉजी से बिल्कुल सहमत नहीं है। 37-year-old woke busting entrepreneur. So you don't know what woke means? To say that you're either an oppressor or you're a member of an oppressed class, which creates these invisible relationships that creates a social hierarchy. Identity can be confining, right? The left does this masterfully. You're black, therefore you can't achieve something. You're a woman, therefore you can't achieve something. विवेक के बारे में एक और बात लोगों को ये पसंद है कि विवेक दूसरों के साथ एंगेज करने को भी तैयार है, चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो। वो राइट विंग टकर कार्लसन के साथ भी इंटरव्यू करता है और लेफ्ट विंग CNN के साथ भी इंटरव्यू करता है, और दोनों के साथ फ्रेंडली तरीके से अपने पॉइंट्स को डिबेट करता है, सिर्फ लेफ्ट विंग को जाकर गालियां नहीं देता। हो सकता है कि अमेरिकन पॉपुलेशन इस बात से भी चिढ़ गई है कि उनकी पॉलिटिक्स में सिर्फ गाली गलौज, चिल्ला चिल्ली ही होती रहती है, चाहे ट्रंप हो जो सारे मीडिया को सिर्फ अटैक ही करता रहता था। I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? I say that you're a terrible reporter. That's what I say. I'm the president and you're fake news. Keep your voice down, please. Keep your voice down. जो कि let's be honest काफी फनी था, और मेरे हिसाब से ट्रंप जैसा फनी प्रेसिडेंट अमेरिका में दोबारा नहीं आने वाला। तो एक तरफ तो ट्रंप है और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स हैं जो 24 घंटे वर्चुअल सिग्नलिंग ही करते रहते हैं। We did a joke. Hey everyone. Hi White House, this is Cooper. तो 24 घंटे गाली गलौज या 24 घंटे वर्चुअल सिग्नलिंग करने के बजाय विवेक क्लियर पॉलिसी पोजीशंस लेकर आता है। I will not send our sons and daughters to die over somebody else's nationalistic dispute. End the Ukraine war, reduce our economic dependence on China, weaken the Russia-China alliance. उसने कहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के साइज को छोटा करना चाहता है, फेडरल वर्कफोर्स को 75% कम करना चाहता है, FBI, IRS और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट्स को खत्म ही करना चाहता है। वो US मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि चाइना से किसी भी वॉर की सिचुएशन में US तैयार रहे। उसने एक मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम को सपोर्ट किया है और इलीगल इमिग्रेशन को खत्म करने की बात की है। I'm a big fan of merit based immigration in this country. To me, merit means A, the contributions you're going to make to this country, and B, your civic commitment to the country. और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इस समय पर रिपब्लिकन्स के लिए इंडियन अमेरिकन्स बहुत कम वोट करते हैं, ट्रंप के लिए सिर्फ 22% इंडियन अमेरिकन्स ने वोट किया था। लेकिन हो सकता है कि विवेक रामास्वामी की वजह से, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, एक प्राउड हिंदू है, अपने कल्चर को एम्ब्रेस करता है, जो इंडिया को सपोर्ट करता है, मोदी को सपोर्ट करता है, उसकी वजह से हो सकता है कि डेमोक्रेट पार्टी से रिपब्लिकन्स कई इंडियन अमेरिकन वोट को खींच लें अपनी तरफ। इसका एक छोटा एग्जांपल हमने यूनाइटेड किंगडम में देखा है कि किस तरह से यूके के जो कंजर्वेटिव्स हैं, जिनको टोरीज कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटिश इंडियन वोट को कितनी सक्सेसफुली अपनी तरफ खींचा है। इतने सारे ब्रिटिश इंडियंस अब कंजर्वेटिव्स के लिए वोट करने लगे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर और प्राइम मिनिस्टर अब इंडियन बन चुका है। लेकिन देखिए सब कुछ स्मूथ सेलिंग नहीं है विवेक के लिए। विवेक के रास्ते में बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं अभी इस समय। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है ट्रंप चाचा। ट्रंप इस समय पर रिपब्लिकन पोल्स में बहुत बड़ी मार्जिन से लीड कर रहा है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट से लीड कर रहा है। अगर मान लीजिए ट्रंप कन्विक्ट नहीं होता है जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं उसमें, तो मोस्ट लाइकली रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रंप ही बनेगा। विवेक के सामने एक और बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि वो एक हीदन है, एक नॉन क्रिश्चियन है, जिस बात को लेकर उसको ऑलरेडी कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस ने अटैक किया है। विवेक रामास्वामी, he is Hindu. Those who are Hindu believe in many gods. God hates those who are willing to put up idols. Our God will not be mocked. To be fair to him, उसने बहुत maturely इन criticisms को handle किया है. So I'm a Hindu. I believe in one true God. I believe that that God resides in each of us. I think it is the same statement of spirit when we say in the Christian tradition, and I did go to Catholic schools and I've read the Bible perhaps more closely than most Christians I know. लेकिन विवेक के लिए वोट करने के लिए कई conservative Christians को, जो उनके दिमाग में बचपन से non-Christians के लिए नफरत सिखाई गई है, उस नफरत को ignore करना पड़ेगा या उससे लड़ना पड़ेगा। लेकिन to be fair, अगर विवेक डेमोक्रेटिक पार्टी से भी खड़ा होता तो ये साले डेमोक्रेट्स भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते। रिपब्लिकन्स अगर बागी 3 हैं तो डेमोक्रेट्स भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 हैं। ऑलरेडी डेमोक्रेट सपोर्टर्स ने आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए हैं कि कैसे विवेक रामास्वामी प्रो मोदी है, प्रो हिंदुत्व है। आपको तुलसी गैबर्ड याद है? तुलसी गैबर्ड एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन थी जो हिंदू थी, लेकिन पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी एस्टेब्लिशमेंट ने कितनी बुरी तरह से उसको अटैक किया था, उसको एक
आरएसएस सपोर्टर बोला था, एक हिंदुत्ववादी बोला था, इस्लामोफोब बोल बोलकर उसका पूरा करियर डुबा दिया। आज भी कई डेमोक्रेट पॉलिटिशियंस हैं जैसे प्रमिला जयपाल, रशीदा तलेब, रो खन्ना, इलहान ओमर, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज, बर्नी सैंडर्स, इन सब ने इंडिया को, मोदी को अटैक किया है, इस्लामोफोब बोलने की कोशिश की है, और खासकर नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स पर जैसे कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऐसी चीजों पर इंडिया को अटैक किया है। और जिस तरह के अटैक्स इंडिया पर और तुलसी गैबर्ट पर हो रहे थे, वैसे ही अटैक्स विवेक पर होते अगर विवेक डेमोक्रेटिक पार्टी से खड़ा होता और अपने आप को एक प्राउड हिंदू या प्रो इंडिया टाइप का कैंडिडेट बताता। और विवेक रामास्वामी एक परफेक्ट कैंडिडेट भी नहीं है, उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पहला क्रिटिसिज्म ये है कि एक तरफ तो वो कहता है कि वो फ्री स्पीच को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसने ये भी कहा है कि वो किसी भी तरह की वोक आइडियोलॉजी को स्कूल्स में पूरी तरह से पढ़ाने से बैन कर देगा। तो ये तो एक तरह की हिपोक्रेसी हुई। उसने ये भी कहा है कि सारे के सारे जो ट्रांस लोग हैं उन सबको मेंटल डिसऑर्डर हो रखा है। There are two sexes. Period. And when someone identifies as a gender different from their biological sex, especially a kid, that is indicative of a mental health condition. जो कि सच नहीं है। सारे के सारे ट्रांस लोग कंफ्यूज नहीं है। इनफैक्ट स्टडीज ने तो ये भी दिखाया है कि कई ट्रांस लोग हैं जो ट्रांजिशन सर्जरी के बाद बहुत खुश हैं और उनको कई लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी हुए हैं। और मेरी विवेक से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वो LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा था तो उसने ये कहा था, Then you give it a flag, then you give it a symbology, you give it an idol. The first idol was not good enough, the rainbow flag. Then they had to make the trans flag, the upgraded version, the golden idol. They started with the silver one. What this is about is a form of idolatry in the trans flag that is a symbol of a broader religious conviction. तो अगर आपने ये क्लिप देखी, तो इस क्लिप से आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये कहता है कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, अपने कल्चर से बड़ा प्यार करता हूँ, और दूसरी तरफ वो आइडल और आइडोलेट्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है अपने वोटर बेस को खुश करने के लिए। आपको पता है इस टर्म को क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ने सदियों से इस्तेमाल किया है हिंदुओं, बुद्धिस्ट और दूसरे नॉन इब्राहिमिक कल्चर्स को हीदन या काफिर बोलने के लिए। इस शब्द को क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ने सदियों से इस्तेमाल किया है हिंदू, बुद्धिस्ट और दूसरे नॉन इब्राहिमिक कल्चर्स को मारने के लिए, अटैक करने के लिए और उनके कल्चरल हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हिंदुओं और हिंदू कल्चर के लिए आइडोलेट्री शब्द का इस्तेमाल करना एक तरह से ब्लैक लोगों के लिए एन वर्ड का इस्तेमाल करने के बराबर हो गया। तो सिर्फ अपने बेस को खुश करने के लिए इस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या विवेक रामास्वामी एक्चुअली रिपब्लिकन कैंडिडेट बन सकता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये रास्ता उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वो अभी पोल्स में एक बहुत ही डिस्टेंट नंबर 2 की पोजीशन पर है, लेकिन एट द सेम टाइम देखने से तो ऐसा लगता है कि विवेक बहुत स्मार्ट बंदा है और वो अलग अलग सिनेरियोस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठा हुआ है। हो सकता है कि वो अपने आप को ऐसा पोजीशन कर रहा हो कि भैया अगर ट्रंप जीत जाता है और ट्रंप के लिए भी मैं बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट रहूं। एंड एट द वेरी लीस्ट विवेक रामास्वामी का ये फायदा तो हो सकता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय पर, जिनको इस समय पर 70% से ज्यादा इंडियन अमेरिकन्स का वोट मिल रहा है, वो पूरी तरह से इंडियन अमेरिकन्स के वोट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इनके पॉलिटिशियंस इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा करते हैं, इंडिया के कल्चर को अटैक करते हैं, इंडियन अमेरिकन्स के ऊपर अपने स्टेट्स में घटिया से घटिया कास्ट बेस्ड कानून पास करते हैं जिसकी वजह से सिर्फ इंडियंस को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा, स्पेसिफिकली उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, स्पेसिफिकली उनकी एक्स्ट्रा सर्वेलेंस की जाएगी। तो हो सकता है कि विवेक रामास्वामी जैसे रिपब्लिकन को देखकर इंडियन अमेरिकन्स का जो वोट है वो डेमोक्रेट से रिपब्लिकन्स की तरफ शिफ्ट हो और डेमोक्रेट्स को एक कड़वा सबक मिले, क्योंकि रिपब्लिकन्स देखिए इस समय पर आपकी नेशनल सिक्योरिटी पर खड़ा नहीं कर रहे सवाल। रिपब्लिकन्स इस समय पर अपने स्टेट्स में कास्ट कानून पास नहीं कर रहे। रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस इस समय पर इंडिया को बात-बात पर अटैक नहीं कर रहे। इनफैक्ट एक रिपब्लिकन गवर्नर है रॉन डिसेंटिस, जिसने एक प्रैक्टिस शुरू की है कि वो हर साल अब गवर्नर्स मैंशन में दिवाली मनाता है। तो हो सकता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में और खासकर जो इंडियन अमेरिकन वोट है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उसमें विवेक रामास्वामी की वजह से एक नया चैप्टर आए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप विवेक रामास्वामी के बारे में जानते हैं, उसके पॉलिसी पोजीशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आपको लगता है कि वो एक्चुअली US का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकता है? हाय एना, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और न्यूज के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। ग्रोथ स्कूल एक 3-hour पेड वर्कशॉप है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके या QR कोड को स्कैन करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। रिमेंबर, पहले 1000 व्यूअर्स को ये कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो आज ही ज्वाइन करें और एक 1%er बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड ना